के ऐलान के बाद बीजेपी ने पूरी तैयारी होने का दावा किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता तीसरी बार मोदी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं, तो वहीं उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि बीजेपी और हमारे पूरे कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार है। हम मध्य प्रदेश में 29 में से 29 सीटें जीत रहे हैं। अच्छे कामों के भरोसे से मोदी जी फिर इस बार 400 पार 370 बीजेपी और साथ ही अलायंस के साथ मिलकर के हम 400 सीट जीतेंगे। और प्रदेश के जो आंकड़े आपके इलेक्ट्रॉनिक चैनलों पर आ रहे हैं, सर्वे एजेंसियां जो बता रही है कि आपकी बार 29 की 29 सीट बीजेपी को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो साथ दिख रहा है बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव को लेकर पूरी तरह से तैयार है और हमारे बूथ स्तर तक सारे कार्यकर्ता चुनाव के लिए लग गए हैं। और यहाँ पर जो साथ दिख रहा है बैतूल में जो कार्यकर्ता सम्मेलन है उससे आप अंदाज लगा सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्साह से भरे हुए। भाई साहब, चुनाव आयोग ने कहा है कि जितने की स्टार प्रचारक हैं उन्हें किसी भी तरह से गलत बातें या गंदी बातें नहीं कहनी है, इसके लिए आप लोग की क्या तैयारी, क्या गाइडलाइंस पार्टी ने तय की? चुनाव आयोग की गाइडलाइंस रहेगी, उसका पालन होगा। मध्य प्रदेश में कितनी सीटों का आप ये कर रहे हैं आंकड़ा कि 29 की 29 सीटें हो पाएगी या क्या होगा? 29 में से 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। पिछली बार एक सीट हम हारे थे मात्र 35,000 से छिंदवाड़ा, इस बार वो भी जीतेंगे। न्यूज 18 की टीम ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान से भी खास बातचीत की, उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं आपको। बड़ी चुनौती है ये चुनाव क्योंकि 400 पार का एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। कोई चुनौती नहीं है, चारों तरफ भाजपा के पक्ष में वातावरण है, नरेंद्र मोदी जी जनता के दिल में बसे हैं, सबकी श्रद्धा और विश्वास के केंद्र हैं। एक लहर नई आंधी चल रही है बीजेपी के पक्ष में, मोदी जी फिर प्रधानमंत्री बने इसलिए हम शानदार सफलता प्राप्त करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें तो इंडी गठबंधन के लोग भी कह रहे हैं कि इस बार हम वापस आ रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा में, तमाम वो दावे कर रहे हैं, तमाम गारंटी देने का काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है उसका कुछ असर जनता पर पड़ेगा? आत्मविश्वास गायब है, भारत जोड़ो कांग्रेस छोड़ो यात्रा बन गई है। वहीं प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि हम इस बार इतिहास रचेंगे, तो वहीं कांग्रेस के नेता पीसी शर्मा का कहना है कि कांग्रेस की टीम बूथ स्तर तक सक्रिय है, कांग्रेस भी तैयार है। जो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29-29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। तो ये कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अगर आप विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस का माहौल था और 8 में से 9 में से 7 चैनल कांग्रेस की जीत की बात कर रहे थे, उससे भी हमारी मंडलम सेक्टर ब्लॉक की सब तैयारियां हुई थी, वो तैयारियां बरकरार है। कल जीतू पटवारी जी ने जितने भी जिलाध्यक्ष की वर्चुअल मीटिंग ली, आज ब्लॉक अध्यक्षों की भोपाल की मीटिंग हुई, सब जगह मीटिंग चल रही है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि चुनाव पर्व की घोषणा के लिए एमपी बीजेपी की तरफ से ईसीआई को धन्यवाद। देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के अंदर भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी का है, इस दिशा में सबकी भूमिका बनेगी और मध्य प्रदेश में भी इस बार इतिहास बनेगा, ज्यादा से ज्यादा मतदान भी होगा और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर चुनाव जीतने के संकल्प के साथ आज हम काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 29-29 की सीटें जीत करके इस बार मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनेगा। वहीं कांग्रेस के नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि चुनाव में नया मुद्दा जुड़ गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का।
कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अगर आप विधानसभा का चुनाव देखें तो कांग्रेस का माहौल था और 8 में से 9 में से 7 चैनल कांग्रेस की जीत की बात कर रहे थे। उससे भी हमारी मंडलम सेक्टर ब्लॉक की सब तैयारियां हुई थी, वो तैयारियां बरकरार है। कल जीतू पटवारी जी ने जितने भी जिलाध्यक्ष की वर्चुअल मीटिंग ली, आज ब्लॉक अध्यक्षों की भोपाल की मीटिंग हुई, सब जगह मीटिंग चल रही है। तो ये कांग्रेस की पूरी तैयारी है। अगर अब विधानसभा वहीं इंदौर में पुलिस